नर्मदापुरम में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के आदेश अनुसार आरटीओ श्रीमती निशा चौहान ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में नर्मदापुरम शहर के मुख्य मार्गों पर स्वयं आरटीओ अधिकारी ने जांच दल के साथ बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट तीन सवारी दोपहिया वाहनों को रोककर चालानी कार्रवाई करते हुए नियमों का पालन करने की समझाइश दी और जिन वाहनों में कमी पाई गई उक्त वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 24 चालानों को 19,000 रुपये वसूले गए एवं जिन वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है उन वाहन चालकों को आरटीओ अधिकारी द्वारा गुलाब के फूल भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। भविष्य में दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने प्रेरित करने के लिए कहा। वहीं जांच दल में आरटीओ अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने के साथ समस्त परिवहन जांच दल शामिल रहा। प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का नियमों का सिखाने के लिए आरटीओ विभाग ने नई पहल की है जिसमें आरटीओ अधिकारी ने नियम के अनुसार चलने वाले को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया और आरटीओ नियम को पालन करने को कहा गया है कि लोगों को हम लोग बार बार जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं यातायात के नियमों की जानकारी देते हैं बार बार उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देखिए हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है। तो जो आज मैंने ये फूल रखे हुए आप देख रहे हैं वो इसलिए रखे हैं कि मैं चाहूंगी कि आज मैं चौराहों पर जाके लोगों को इस और जागरूक करना चाहूंगी कि वो नियमों का पालन करें हेलमेट पहने जो हेलमेट पाए जाएंगे उनको फूल देके स्वागत करूंगी जो नहीं पाए जाएंगे उनका चालान बनाया जाएगा।